ज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोसुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कलिदा विश्राम दिया था, तीनों प्रकार के श्रोता कसम नदी के दोनों किनारे पर बसवे पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो अयोध्या किसे कहते हैं? जहाँ पे राम भक्त इकट्ठे होते हैं और राम के गुणों का गान करते हैं तो वो स्थान अयोध्या बन जाता है। जहाँ पे कृष्ण भाई इकट्ठे होते हैं और कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं वो स्थान वृंदावन बन जाता है। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। यानी मतलब क्या है? प्रभु का यश जो है भक्ति की ओर ले जाता है, हमें भक्ति की ओर लेके जाता है। छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच पे भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य से शोभित हो रही है। मतलब क्या है? जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, भक्ति के भी दो किनारे ज्ञान और वैराग्य के बीच में ही भक्ति सुरक्षित रहती है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली ये तीन मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जारी है। तो आप भक्ति कहाँ पे लेके जाती है? प्रभु के चरणों तक लेके जाती है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है। जिस प्रकार मानसरोवर की उत्पत्ति सरयू से हुई है तो प्रभु का यश जो है प्रभु से उत्पन्न हुआ है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। और प्रभु का यश कहाँ पे लेके जाता है? भक्ति की ओर लेके जाता है। इससे ये सुनने वाले सन्नों के मन को पवित्र कर देगी क्योंकि भक्ति की ओर लेके जाती है प्रभु की कथा। इससे जो उस कथा का श्रवण करता है उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। इसके बीच पीछे जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथा है वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। शिव पार्वती और शिव जी के वाह के ब्राती इन नदी के बहुत नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। यानी तुलना की गई है पार्वती शिव के विवाह के जितने ब्राती थे उनकी जल से तुलना की जहाँ पे बहुत से जीव रहते हैं। श्री रघुनाथ जी का जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चेतन वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज दशरथ जी तथा उनके रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म ही ब्रह्म और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा वही इस नदी में सुहावनी छवि छारी है। अनेक सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न इस नदी की नावे हैं और उनके विवेक के उत्तर ही चतुर केवट है। यानी जो प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं और जो मन में नहीं भी आ रहे हैं उन सब का समाधान आपको इस रामचरितमानस के अंदर प्राप्त हो जाएगा। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के समाज
यात्रों का समय शोभा पा रहा है। जिस प्रकार इंसान तीर्थ स्थानों में जाता है और नदी किनारे चलता है, मंदिरों के दर्शन करता है, उसके अंदर ये भाव होते हैं मैं तीर्थ स्थान में हूँ। कथा सुनने के बाद जो हम शुभ कर्म करते हैं तो समझो हम धाम में ही वास करते हैं। परशुराम जी करो ये नदी के भयानक धारा है और श्री राम जी के श्री वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, परशुराम जी करो इस नदी के भयानक धारा है। तो यानी नदी जब अच्छी कब लगती है, जब तक वो अपनी सीमा में रहती है, मर्यादा में रहती है। जब उस पर बाढ़ आती है, मर्यादा का उल्लंघन करती है तो तबाही करती है। तो परशुराम जी के क्रोध की तुलना की गई है अनियंत्रित, उनका क्रोध अनियंत्रित है और इसलिए वो तबाही करता है। तो प्रभु ने क्या किया, अपने शब्दों के द्वारा उनको बांध की तरह उनके क्रोध को रोके, ने नियंत्रित किया। तो क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध की आवश्यकता होती है बुराई का नाश करने के। क्रोध बुरा कब है, जब वो अनियंत्रित हो जाए, हम उसके अधीन हो जाते तब वो बुरा होता है। और श्री राम जी शेष वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। यानी प्रभु का जो चित्र है, विवाह का जो प्रसंग है, वो मंगलकारी है। सीताराम का मिलन, जो इस प्रसंग को पढ़ते उनके जीवन में मंगल होता है। इसके कहने सुनने जो हर्षित पुलकित होते वही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से नदी में नहाते नहीं भाग्यशाली ही इस पे गोते लगाएंगे, स्नान करेंगे। श्री रामचंद्र जी के रात तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुब बुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब जीव नदी में स्नान करने जाता है तो पौड़ियां उतरता है, तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस घाट पे मैं स्नान करने जा रहा हूँ उस पौड़ियों में काई तो नहीं जमी हुई है, क्योंकि कहीं काई जमी हो, पैर पड़ गया तो आप फिसल जाओगे, हड्डी टूट सकती है या मर भी सकते हो डूब के पानी में। या तो साफ करो उस काई को, या तो दूसरे तरीके से नीचे जाओ। तो कहते कहके कि कुबुद्धि नदी में काई है, यानी जो उसके जो विपरीत बुद्धि है उसकी तुलना काई से की गई है, और उसकी के फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। आप कहके कौन है, कर्म है, सुमित्रा भक्ति है, गैशल्य ज्ञान है, और दशरथ जी की आसक्ति कहके के प्रति अधिक है। क्यों, जीव की आसक्ति कर्म के प्रति अधिक होती है, ज्ञान और भक्ति के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर भोग वृत्ति होती है, ही वांट्स टू एंजॉय, भोग करना चाहता है। इसी कारण से उसके अंदर भोग वृत्ति वो ज्ञान और भक्ति से इतना प्रेम जितना वो कर्म से करता है। जब राजा दशरथ को पता था कि ये कोप भवन में बैठी है, तो क्या जरूरत थी उसके पास जाने की, नहीं जाते तो विपत्ति थी, कौशल्या के पास जाते या सुमित्रा के पास चलते। यानी जीव को जब पता है कि वो जो कर्म करने जा रहा है वो कर्म उसका ठीक नहीं है, तुरंत ज्ञान का या भक्ति का आश्रय ले लेना चाहिए। जानते भी जो मैं कर्म करने जा रहा वो सही नहीं है, फिर भी अगर जीव उस कर्म को करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, विपत्ति ही होती है, और वही हुआ यहाँ पे भी, विपत्ति ही आई उनके जीवन में। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भर जी का चित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। तो जप यज्ञ की तुलना की गई भर के चित्र से, क्यों, और गीता में स्वयं कृष्ण जी कहते हैं सब यज्ञों में से जप यज्ञ मैं हूं। तो जप यज्ञ को कृष्ण जी गीता में कहते भी, इस बात की घोषणा भी करते हैं। क्यों कहा गया, क्योंकि भरत का चित्र पढ़ने से राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जो चीज भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है प्रभु की तरफ ले, वो वास्तव में मंगलकारी होती है और सारे उत्पातों को, बुराई को शांत करती है।
यानी प्रभु का प्रेम ही वास्तव में सारी बुराइयों का शांत करता। भरत जी का चित्र पर प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है और क्या होता है, सारे अमंगल हमारे शांत हो जाते हैं। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले है। यानी जो कलयुग का वर्णन आता है, जो उनके अवगुण हम उत्तरकांड पढ़ेंगे, जो वर्णन आता है उसकी तुलना कीचड़ और बगुले से की गई है। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। 6 ऋतुओं में सुंदर क्यों कहा गया, हमारे देश में 6 ऋतु होती है, हर 2 महीने में ऋतु बदलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतु में सुंदर है, यानी भगवान की कथा 12 महीने हमको पढ़नी चाहिए। यानी कि कार्तिक के महीने में या श्रावण के महीने पढ़ने आने समय नहीं, यह 6 ऋतु में यानी 12 महीने मंगलकारी है। सभी समय यह परम स्वामी और अत्यंत पवित्र। क्या कहके सभी समय, अब ये मत कहना कि सवेरे करना चाहिए कि दोपहर को कि शाम को, कब क्या लिखता है, सभी समय कर सकते हो, जब हमें समय मिले आप ग्रंथ का सेवन करिए। तो ये स्वामी अत्यंत पवित्र है, यानी जब भी कथा का आप सेवन करोगे ये आपको पवित्र करेगी करेगी। शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु कहते हैं ये जो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं, मौसम ठंडा होता है। तो यानी शिव आप पार्वती का जो चित्र है, वो जो विवाह का प्रसंग आता है वो हृदय को सुख शांति पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव सुखदाय शिष्य ऋतु है, यानी वो होता है जनवरी फरवरी का महीना जब ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो यानी प्रभु का जो जन्म है और हृदय को ठंडक और शांति पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलदाय ऋतु राज वसंत है। मतलब क्या है, वसंत ऋतु कहते हैं ये जो मार्च होली का महीना होता है और राम जी का जो प्रकट होने का समय था वो वसंत ऋतु के अंदर आता है। उस भी सभी बड़ा सुहावना मौसम होता है। तो कहते हैं प्रभु का विवाह का जो वर्णन हम बड़ा सुहावना मंगलकारी होता है। अब आती है सबसे खराब चीज, वह है ग्रीष्म ऋतु यानी बेहद गर्मी। श्री राम तो प्रभु का जीवन से दूर जाना ही वास्तव में दुखदायी होता है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथा ही कड़ी धूप और लू है। धूप और लू बहुत हमें पीड़ा पहुंचाती। ईश्वर जब जीवन से दूर चले जाते हैं तो जीवन में बहुत कष्ट संकट आते हैं, बहुत पीड़ाएं हमको मिलती है। फिर उसके बाद आती वर्षा ऋतु। राक्षस के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, यानी जीव जब हरि नाम करता है, हरि गुणगान करता है, वही वास्तव में वर्षा ऋतु है जो हृदय के संसारिक कामनाओं को या प्रभु से जो विमुख हो गया, जो पीड़ा सतारी उसको शांत करती है। तो यानी हरि नाम करना या हरि गुणों का गान करना ही ये वास्तव में वर्षा ऋतु है जो हृदय को शांति पहुंचाएगी, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। और ये सत्कर्म को यानी फसल अच्छी होती है, बारिश होती है तो सत्कर्म जीवन में उत्पन्न होने शुरू होते हैं हरि नाम और हरि कथा से। श्री रामचंद्र जी के राज्य का जो सुख विनम्रता बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। यानी वही शरद ऋतु जो नवरात्रों के बाद शुरू हो जाते हैं, दिवाली का जो समय होता है बड़ा सुहावना होता है। फिर तो कहते हैं वही प्रभु का जो राज्यभिषेक है वो बड़ा सुहावना लगता है। तो नहीं, एक ही जगह पे उन्होंने कहा कि ग्रीष्म जहाँ पे दुख बहुत ज्यादा लगता है वह प्रभु का वनगमन, प्रभु का जीवन से दूर चले जाना। इसलिए कहते हैं निरंतर हरि नाम करोगे, कथा करोगे, प्रभु कभी भी जीवन से दूर नहीं जाएंगे, तो आपको ग्रीष्म ऋतु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सती और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल के मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह
जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशो प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। यानी प्रभु की कथा कैसी है, कहते ये सद्गुण पैदा करती है, ये संसार की आस खत्म करती है। प्रभु के प्रति आस बढ़ा के संसारिक लोगों की चर्चा करोगे, मन की मलिनता बढ़ती है, और प्रभु के गुणों का गान करोगे तो मन साफ होता है, मलिनता खत्म होती है। फिर कहते जी हमें प्रभु नहीं मिलते, क्या करो भाई, मत करो संसार की चर्चा, प्रभु का ही गुणगान करो, प्रभु का ही नाम का कीर्तन करियो, फिर देखो मन कैसे साफ होता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे हर होने वाली ग्लानी को हर लेता है। यानी प्रभु की कथा प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, सारे पाप और ग्लानी खत्म करती है। जो कुछ हमने किए वो सारे पाप हरि नाम और हरि कथा से नष्ट हो सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। यानी पाप ताप दरिद्रता भौतिक दरिद्रता तो दूर होती है, सबसे बड़ी दरिद्रता मोह रूपी दरिद्रता वो दूर हो जाती है, क्योंकि धन के अभाव में जरूरी कि इंसान दुखी हो, इंसान दुखी होता है तो मोह के कारण होता है, उसकी आसक्ति संसार में बहुत अधिक होती है और वो चीज़ उसके मन के अनुसार नहीं होती है जैसा वो चाहता है, तो वो बहुत दुखी होता है और दोषों को नष्ट करना, दोष सारे खत्म हो जाते हैं। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम से छुपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी या नहीं सुनते हैं उनको कलयुग धोखा देने में सफल हो चुका है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे वे कलयुग के से ठगे हुए जीव भी विश्वों के पीछे भटककर दुखी होंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे हिरण को लगता है कि अब गर्मी में रेत में दिखता पानी है लेकिन पानी होता नहीं है, अब पानी मिला, अब पानी में दौड़ते दौड़ते ऐसे प्यासा मर जाता है। जीव को भी लगता है अब सुख मिला, अब सुख मिला, सुख संसार में है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा, इसका तो नाम कृष्ण ने दुखालयम रखा हुआ है, अशाश्वतम कहा गया, जो परिवर्तनशीला दुख देने वाला, तो कहाँ पर आपको सुख मिलेगा। जीव को सुख मिलेगा तो प्रभु की शरण में मिलेगा, अब वो जा रहा है प्रभु से विपरीत, उसको ये लगता अब आप 80 साल के इंसान को पूछो 90 साल के कहेगा मुझे कोई सुख नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, आपको तो लगा था आगे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख है ही नहीं तो सुख मिल कैसे सकता है। सुख है तो प्रभु के भक्ति में है, प्रभु से विमुख होकर जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, और जीव भक्ति करना चाहता नहीं इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। हाँ ये बात अलग है, जीव का अहंकार उसे कबूल नहीं करने देता कि मैं दुखी हूँ, वो बात अलग है, या तो हम अंदर से मानता हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करता है, या तो वो इतना ज्यादा अज्ञानी है बिल्कुल पशु की तरह है, दुख भी पा रहा है रोता है फिर भी कहता मैं खुश हूँ, या तो एकदम ही वो गैप गुजरा इंसान है बिल्कुल पशु की तरह, इतना अज्ञानी है, इतना मोह उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं दुखी हूँ, रोता भी है दुख भी पाता है फिर भी कहता मैं खुश हूँ, या तो अहंकार है उसे मानने नहीं देते, या तो वो इतने जड़ बुद्धि वाला है कि वो दुखी होके भी कह रहा है मैं खुश हूँ, ये उसकी मूर्खता कुछ नहीं है। तो वैसे ही कलयुग के उसे दबे हुए जीव को विश्वों के पीछे भटक कर दुखी होंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उस पर अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण कर कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।
भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रही चित जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीते हुए दया के निदान आप परमार्थ में मार्ग पे बड़े ही चतुर हैं। मार्ग पे जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राट प्रयाग को जाते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। यानी वेणी माधव जी विष्णु जी हैं जो प्रयाग में हैं, उनको पूछते हैं अक्षय वट को स्पर्श कर सुखी पुलकित होते हैं। ये बिल्कुल त्रिवेणी के साथ है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और शेष मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वह भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर प्रसव भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। तो क्या करते हैं कि भगवान की लीला की का कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना, अपना भजन करना और प्रभु की लीला की चर्चा करना। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व विभाग वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य सुख भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो यानी यही सब भगवत विषय चर्चा होती है। आज भी उसे कल्पवास कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति से एक महीने तक लोग प्रयाग में आके बैठते हैं प्रयाग में, और उधर हरी चर्चा हरी कथा यही होता है। पूरे विश्व से लोग आते हैं भजन करने और टेंटों में रहते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, बर्फ जैसा पानी होता है गंगा जी और जमुना जी का। इसी समय इसी प्रकार माह के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिषा अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण दबाकर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। तो कैसे प्रश्न करते हैं, पहले उनके पास गए, उनको बिठाया, उनके चरण धोए, आसन दिया, फिर पूजा की। गीता में ही कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं संत के पास किस तरीके जाना चाहिए, दीनता पूर्वक जाओ, उसकी सेवा करो, उसके बाद आप उससे प्रश्न करो तो वह जवाब देगा। अहंकार को लेके जाओगे या अपने को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं हम अपने आप को, वो धारणा लेके जाओगे तो कुछ ग्रहण नहीं पाओगे। टोटल अपने को तुच्छ मान के चलना पड़ेगा। दीनता बहुत जरूरी चीज है कोई भी चीज को सीखने के लिए। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए आए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। इसलिए अपने हृदय को संत के आगे हमेशा खोलना चाहिए ताकि आपका अज्ञान दूर हो जाए, मोह खत्म हो जाए। और हम संत से छिपाव करते हैं, दुष्टों के आगे खोलते हैं, दुष्ट हमारे स्वभाव का दुरुपयोग करते हैं। तो कहते भय इसलिए आ रही थी कि भाई ये ना सब मेरी परीक्षा ले रहा है, और शर्म इसलिए कि भाई आयु बीत गई, कम बुढ़ापा आ गया, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, कम से कम उनको ये तो समझ रहा था हमको तो बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु तक पहुंचे, फिर भी हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता।
यानी अपना हृदय संत के आगे खोलना चाहिए, वो आपको कथा सुनाएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुने, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। तो ये बात हमने नाम मातम में सुन चुके हैं कि शंकर जी राम नाम के बल पे जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता कि वे राम कौन है, हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, उनका चित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वैरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सबको जानते, ज्ञान विचार कर कहिए। ये इसलिए ये प्रश्न आया क्योंकि कलयुग के जीव यही बोलते हैं, हम लोग दशरथ नंदन राम को नहीं मानते, हमारे राम अलग है, निर्गुण निराकार है, व्यर्थ की बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम लोगों को केंद्र करके ये प्रश्न किया गया, वही है कोई दूसरे है? हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। हेता, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी, जिस प्रकार दुर्गा जी के द्वारा वो महिषासुर का नाश हुआ, ये कथा आपके जीवन के अज्ञान को नष्ट करेगी, जो महिषासुर तुलना की गई अज्ञान की। श्री राम जी कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। जिस प्रकार चकोर की दृष्टि हमेशा चंद्रमा पर अतिशेष नहीं करता है, उसी प्रकार भक्त की दृष्टि भी हर जगह प्रभु की कथा पर थी। कहाँ पे कथा मिले, कहाँ पे सुनो, कहाँ पे इसका पान करो। और चंद्रमा किरणों के समान क्यों कहा गया, सूर्य किरणों के समान क्यों नहीं? क्योंकि सूरज केवल सर्दियों में अच्छा था, गर्मियों में दुखदायी होता है, लेकिन चंद्रमा किरणें 12 महीने शीतलता प्रदान करती हैं। उसी प्रकार प्रभु कथा जब भी इसका सेवन करोगे, पाठ करोगे, ये जीवन में सुख शांति देगा। ये नहीं कि भाई भी कोई विशेष दिन में ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। 12 महीने 365 दिन 24 घंटे जब समय मिलता भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तो महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। जब चले हैं, एक तेतयुग की कथा है, अनंत बार तेतयुग आए हैं और अनंत बार आएंगे, एक तेतयुग की कथा सुना रहे हैं कि शिव जी अगस्त ऋषि के साथ गए। उनके साथ कौन जा रहा है? जगत जननी, जगत की मूल कारण कौन है? सती जी जा रही हैं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, तो अगस्त जी ने देखा कि जगत के माता पिता आए हैं, तो उनका वो पूजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। मुनिवर अगस्त्य जी राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना।
क्या लिखा है, केवल महेश्वर ने सुख मांगा, सती ने कथा नहीं सुनी। सती ने कथा क्यों नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी, नॉर्मली क्या होता है, श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, सुनने वाला कहने वाले को प्रणाम करता है। यहाँ पे कहने वाले कौन है, अगस्त ऋषि, सुनने वाले कौन है, शंकर और सती। तो यहाँ पे वक्ता ने जब श्रोताओं को प्रणाम किया तो सती के मन में ये बात आई तो हम तो इनसे श्रेष्ठ है, तो ये क्या कथा सुनेगा, तो हमें प्रणाम करें। इसी कारण से उन्होंने कथा नहीं सुनी और शंकर जी ने पूरी कथा सुनी। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी उनको अधिकारी पाकर ऐसे से भक्ति का निरूपण किया। तो यानी जो शिव जी को राम कथा सुनाता है, शिव जी उसे हरि भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि शिव भक्ति का फल क्या, राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न होना, यही शिव भक्ति का लक्षण है। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहां रहे, फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तो कुछ दिन रहे, कथा सुनते रहे, चर्चा होती रही, और जब वापिस चले तो क्या लिखा है, ये नहीं लिखा जगत जननी सती के साथ जाए, तब क्या लिखा, दक्ष कुमारी सती के साथ। दक्ष कुमारी क्यों कहा गया, एक तो दक्ष की पुत्री इसे दक्ष कुमारी कहा गया, दूसरा दक्ष का अर्थ होता बुद्धि, क्योंकि उसने बुद्धि चलाई, कथा नहीं सुनी, इसलिए वो बुद्धि की पुत्री के साथ वापिस आ रहे हैं। यहाँ पे नाम में परिवर्तित कर दिया गया, क्या लिखते हैं, बुद्धि की पुत्री के साथ वापस आ रहे हैं, क्योंकि दक्ष का अर्थ बुद्धि भी होता है। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग कर तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। ये जो पूरा नासिक क्षेत्र है वो दंडक वन कहलाता है, उधर विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो, यानी कथा सुनने का फल क्या होता, दर्शन की लालसा। कोई भी मैं स्थान का महत्व बताऊंगा कि भाई चलो शिमला कैसे दिखता है या मनाली कैसे दिखता है या देहरादून कैसे दिखता है या हरिद्वार, तो सुनने के बाद आपकी इच्छा आएगी उसके दर्शन करने की। तो कथा सुनने के बाद प्रभु के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। तो शिव जी हृदय विचार की भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो सती जी के मन में कोई लालसा नहीं हुई भगवान के दर्शन की, क्योंकि उन्होंने कथा ही नहीं सुनी, इससे दर्शन की लालसा ही नहीं हुई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ के नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्यों के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्यों के हाथ से मांगी थी, अगर मैं जाता हूं राम के दर्शन करता तो उनका प्रणाम करूंगा, अगर मैं प्रणाम करूंगा तो सारा संसार जान जाएगा ये ईश्वर है, तो ब्रह्मा की वाणी झूठी पड़ जाएगी। दिल तो कर है, लेकिन इस बात का संकोच भी है कि ब्रह्मा की वाणी झूठी ना पड़ जाए। इस प्रकार शिव जी विचार, परंतु कोई व्यक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव चिंता के वश उस समय नीच रावण ने जाकर मारिच को साथ लिया और वो मारिच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया, उसे श्री रामचंद्र वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था।
मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी से श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उनमें पता विरह का दुख देखा जो कंप्लीट है, परिपूर्ण है, उनमें विरह कैसे हो सकता है? तो कहते श्री रघुनाथ जी का चित्र बड़ा ही विचित्र है, उसका पहुंचे ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मन बुद्धि वे तो विषय रूप से मोह के वश होकर हृदय में कोई दूसरी बात ही समझ बैठते हैं, और जो प्रभु के भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है, भगवान की कथा नहीं सुनते, प्रभु के चित्र को सुन के मोहित हो जाते हैं और गलत आरोप लगाते हैं। देखो ये भी तो साधन मनुष्य की तरह रो रहे हैं, ये कहे के ईश्वर हो, लेकिन इससे कहते हैं ना, प्रभु के चित्र को सुनने के लिए संत की कृपा, भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि संत रहस्य को खोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या सीता हरण वास्तव में हुआ था क्या? जब नाम महिमा पढ़ते कहते जल और जल की लहर, उस पर कोई भेद, इसी प्रकार सीताराम में कोई भेद नहीं है। तो जब दोनों में भेद नहीं है, जो परिपूर्ण है, तो वो सीता हरण कैसे हो सकता है? आगे हम पढ़ेंगे 3-4 पेज के बाद, कण कण में सीताराम का आवास है, कण कण में अगर सीताराम का आवास है तो सीता हरण कहाँ से हुआ मुझे बताओ। फिर भी हम देखते हैं कि सीता का हरण हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जीव की दृष्टि में सीता हरण हुआ, यानी हमारी दृष्टि में इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी अखंड ज्ञान है, सीता जी भक्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक है। राम जी अखंड ज्ञान, हमारे जी में ज्ञान है वो खंडित है, सीमित है, राम जी अखंड ज्ञान, सीता जी भक्ति है और लक्ष्मण जी वैराग्य प्रतीक है। ये लक्ष्मण रेखा क्या है? यह है वैराग्य की रेखा। वैराग्य मतलब भगवान में प्रेम बढ़ता है, संसार की अटैचमेंट कम होती है, उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य वो नहीं कि लड़ाई हो तो आपको चीनी में मन उदास हो गया, तो वो वैराग्य नहीं होता, वो तो क्षणिक होता है, क्योंकि वो फिर आपका मन उस पर जाएगा। स्थाई वैराग्य वो होता है जब भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है और संसार के आसक्ति घटती, वो वैराग्य स्थाई होता है। तो सीता हरण कब होता है? जब लक्ष्मण जी दूर जाते हैं। आप देखोगे अन्य काम में पढ़ेंगे, राम जी दूर जाते हैं, लक्ष्मण जी को सीता जी के पास रखते हैं। क्यों? इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान अगर जीवन से दूर चला भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक जीवन में वैराग्य रहेगा भक्ति सुरक्षित रहेगी। मान लो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, नहीं समझ में आती, कुछ नहीं होता, लेकिन भवन में प्रीति है, वैराग्य, तो भक्ति सुरक्षित है। समस्या कब आती है? जब सीता लक्ष्मण रेखा को पार किया, जब वैराग्य की रेखा का हम उल्लंघन करते हैं, तभी तो मोह रूपी रावण आके भक्ति को हरण करता है। जब लक्ष्मण जी दूर गए, जब वैराग्य की रेखा को हम पार करते हैं, तो समझो मान लो कि आपके घर में किसी की शादी है या कोई फंक्शन में जाना है या कोई पार्टी है ऑफिस की तरफ से, ठीक है जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, लेकिन जीव के अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं, ये मैं मानता हूं, लेकिन वैराग्य कुछ तो रेखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी को लोग को ज्यादा समझ होती है नहीं, हम जाए हम प्याज लहसुन भी खा ले, मांस भी खा ले, शराब भी पी ले, कौन देखने वाला है? तो जीव जब वैराग्य की मर्यादा का उल्लंघन करता है, तभी मोह भक्ति को दूर कर देता है। ठीक है जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा में रहो, इसके आगे मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने जो हरिनाम लिया, जो नियमों को फॉलो करना करना है, अपने सिद्धांत से मैंने समझौता नहीं करना, तो भक्ति सुरक्षित रहेगी। लेकिन जीव क्या होता है, क्योंकि उसका भजन कमजोर है, हरी कथा नहीं सुनता है, ज्यादा हरी नाम नहीं करता है, वो स्पिरिचुअली वीक है, तब तो जाके वो उससे पाप कर्म होते हैं।
तो जीव की दृष्टि में भक्ति का अपहरण हुआ है, ईश्वर की दृष्टि में नहीं हुआ है। और हमको सीता जी खोज करनी, ये प्रभु काम नहीं, हमारा काम है। भक्ति की खोज कैसे होती है, कैसे मिलती है, ये हम किष्किंधा सुंदर कांड में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहां तक ही सीमित रखता हूं। और प्रभु यहां पे जो आंसू भार, इसका अर्थ क्या होता है? दुखी है। प्रभु अपने चित्र के द्वारा दिखाना चाहते हैं, जीवन से अगर भक्ति दूर चली जाए तो ज्ञानी भी व्याकुल हो जाते हैं। यानी भक्ति का जीवन में होना अतिशय जरूरी है। और भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान को भक्ति की होता है, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन वैराग्य से ना भक्ति आती है, ना ज्ञान से भक्ति आती है। भक्ति मिलती है तो संत की कृपा से मिलती है, भक्त की कृपा से मिलती है, दूसरा कोई तरीका नहीं भक्ति प्राप्त करने का। और नाम जब संत जब मिलते हैं, कथा सुनाते हैं, भाव देते हैं, जीव से नाम जपाते, वो नाम आपको भक्ति की ओर लेके जाता है और भक्ति की प्राप्ति कराता है। तो प्रभु यहाँ पे जो विलाप कर रहे हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि जब भक्ति जो के ज्ञानी की भी क्या दशा होती, किस प्रकार व्याकुल होता है। तो इसको अब को सही अर्थ मिलना चाहिए। आगे हम और पढ़ेंगे जब वो अरण्य किष्किंधा कांड का, बहुत अच्छे समझोगे इन प्रसंगों को। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदान सच्चिदानंद जग पावन, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिव जी तो सोचे थे वह किस प्रकार प्रभु के दर्शन करूं, मैं अगर दर्शन करता हूं तो प्रणाम करूंगा तो ब्रह्मा की वाणी झूठी पड़ जाएगी। उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था कि करूं तो क्या करूं, कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। तो राम जी ने सोचा, मेरे भक्त को अगर मेरे दर्शन की इतनी तीव्र लालसा है, वो नहीं आ सकता, तो क्या अगर मैं तो उसके पास चल के जा सकता हूँ। प्रभु स्वयं शिव जी के पास गए और जैसे शिव जी ने उनके दर्शन किए, क्या कर सच्ची जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र कर सच्चिदानंद की जय हो। सच्चे में कि प्रभु सत्य है, सत्य का मतलब परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर है, चिन्मय है, चैतन्य है। हमारा शरीर जड़ है, प्रभु का शरीर जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, चिन्मय है, दिव्य है और आनंद स्वरूप है, उसे कहते हैं सच्चिदानंद। इस पर कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता, वे जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य और मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने प्रभु की कथा नहीं सुनी, प्रभु के दर्शन करने के बाद भी वो प्रभु को नहीं पहचान पाई और कहते एक राजपुत्र को उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भगवान की कथा सुनते हैं और नाम जप करते हैं, भगवान की कथा और नाम की कृपा से आपको प्रभु के दर्शन होंगे और आप प्रभु को पहचान पाओगे। बगैर कथा इवन धाम की बात आती है, अगर आप जैसे जिसको वृंदावन जाना है वो गर्ग संहिता पढ़े जिसपे वृंदावन खंड चैप्टर आते हैं, मथुरा खंड आता है, गिराज खंड आते हैं, माधुर खंड आता है, तब वो एक अलग दृष्टि से उस धाम का आनंद ले सकता है। तो यानी धाम को समझने के लिए, पहचानने के लिए, या भगवान को पहचान देखने के बाद भी समझने के लिए, पहचानने के लिए हमको संत की कृपा चाहिए, कथा और जाप चाहिए होता है। क्योंकि संत कथा स्वयं जाप करते, जब कथा जाप होएगा तब हम जाके भगवान
को पहचान पाते या कुछ लाभ ले सकते हैं, नहीं तो भगवान को देखने के बावजूद हम एक साधारण मनुष्य सा दिखाई देता है। तो दृष्टि कौन देती है? कथा और हरिनाम देता है। तो उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेम मग्न हो गई, अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर, जिसको जाना नहीं जाता, मतलब इच्छा रहित भेद रहित है, और जिसने जिसे भेद भी जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाला जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुर के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की स्थिति को खोजेंगे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? कहते विष्णु सर्वज्ञ और शिव जी भी सर्वज्ञ है, और मुझे भी दिखाई दे रहा कि सीता जी लंका बैठ शोक वाटिका, तो ये जाके गुरु पे बैठ कर उठा के क्यों नहीं ले आते? वे अज्ञानिक स्थिति को क्यों खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछ रहे हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान सीता जी के प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि इतने सीतामय हो गया कि पेड़ों पौधों से पूछ रहे। इसका मतलब ये भी हो गया कि पेड़ पौधे जड़ वस्तु नहीं है, इनमें भी जीवात्मा है, तो उनसे पूछा सीता जी का पता बताओ। तो भगवान के तो संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लीला के पीछे एक ही अर्थ निकलता है कि वो जीव को बताना चाहते हैं भक्ति क्यों जीवन से दूर जाती है, भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है जी, हम ये सारे प्रश्न पढ़ेंगे। काल कैसे शांत होता है जी, कर्म से मुक्त कैसे होता है, भक्ति के क्या क्या विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को हम कैसे पार कर पाते हैं, ये सारा प्रश्न जो राम कथा है हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है कि किस प्रकार प्रभु अपने चित्र के द्वारा में शिक्षा देते मेरे को फॉलो करके इन चीजों को तुम भक्ति तक पहुँच पाओगे और मेरी कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब को जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, कि जब शिव जी सच्चिदानंद कहा तो वो वास्तव में होंगे ईश्वर होंगे। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था, क्योंकि प्रभु बुद्धि के विषय नहीं है। प्रभु को जानने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए होती है, श्रद्धा चाहिए, उनके प्रति विश्वास की आवश्यकता होती है, तब जाके उनकी कृपा होती। जितनी मात्रा में शरणागति होगी उतनी मात्रा में आपको कृपा प्राप्त होगी, और ये प्रेम पर निर्भर करता है, शरणागति प्रेम पे, क्योंकि प्रेम करोगे तो ही तो शरण जाओगे, बिना प्रेम को शरणागत होता ही नहीं है। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्थिर स्वभाव ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। कहते हैं इनकी यही अगस्त यही इन्हीं की कथा अगस्त में सुनाई और इन्हीं राम की हमने उनको भक्ति प्रदान की है, यही मेरे इष्टदेव हैं जो दशरथ जी के पुत्र बने हैं, ज्ञानी मुनि योगी और से निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। तो प्रभु अपनी इच्छा से आते हैं, किसी कर्म बंधन से नहीं। यद्यपि शिव जी बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठा, तो महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं समझ में आई? सब संदेहों का तभी नाश होता है जब दीर्घ काल, लंबे समय सत्संग करो।
यानी आप किसी को मिलके हो 10 मिनट के लिए, आपने बोला कुछ ही समझा दे, प्रश्न किया, वो क्या समझाएगा और आप 10 मिनट में क्या समझोगे? वो बोल रहा है, उसका पीछे का आधार क्या आपको पता नहीं, किस आधार पे बोल रहा है, तो आप समझ नहीं, क्या आप और उलझते जाओगे क्या बोल के, कुछ पले नहीं पड़ा। इससे कहते हैं कथा पूरी सुननी चाहिए शुरू से, और कई बार सुनोगे तब कुछ कुछ समझ में आएगी, एक बार से नहीं आती है। इंसान को सिर्फ आइडिया मिलता है इस पे क्या लिखा हुआ है, उसे नहीं समझ में आती है। कई बार कथा सुनोगे धीरे 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 वो चीज प्रकाशित होती है। इससे कभी भी इन मनुष्य को ये नहीं दावा कर सकता कि मैंने 5 बार पढ़ लिया मुझे सब पता, नहीं, क्योंकि जितना आप भजन करोगे, गुणगान करके पढ़ोगे, जितना जितना आपका अंतःकरण शुद्ध है उतने उसके रहस्य खुलने शुरू होते हैं। अब शिव जी समझा रहे, कुछ समझ नहीं है, क्योंकि कथा सुननी चाहिए, दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते बोले, जो तुमने तो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तो तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा हूं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तेरे मन में संदेह, जाके परीक्षा लिया, मेरे अंत पर विश्वास में बैठा हूँ। जिस प्रकार शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं, बड़ का पेड़ भी विश्वास का प्रतीक है, तो मैं तो विश्वास को धारण करके बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान भली अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली मन में सुन ली कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याणी, जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? कहते हैं कि प्रभु के प्रति संदेह, शंकर जी समझा रहे फिर भी विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा। तो शंकर जी ने यह अर्थ लिया, प्रभु आपने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। क्या भ्रम को तोड़ा? मैंने सोचा था मैं आपको प्रणाम करूंगा तो सारा संसार जान जाएगा, मारा संसार की बात तो दूर रही, मेरे घर के 2 सदस्य आपको नहीं जान सके। 2 सदस्य कौन? एक मेरी पत्नी सती, दूसरा मेरा शिष्य रावण। इसका मतलब वही आपको जान सकता है जिसे आप जनाते हो, और आप किसे जनाते हो? जो आपसे प्रेम करता है, आपके प्रति शरणागत होता है, वही आपको जान सकता है, उसी आप जनाते हो, वही आपको जान सकता है। और जितना जितना आप उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी, उतनी मात्रा में वो अधिक अधिक आपको जान सकेगा। तो आपने मेरे भ्रम को तोड़ दिया इस बात को। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर कर कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जप लगे, और सती भागे जा सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इस लाइन का अर्थ क्या? जो को राम ने रचा वही होगा, तर कर कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। लोग इस लाइन का दुरुपयोग करते हैं, जो को राम वही होगा, कौन बुद्धि चलाए। भैया कोई आपके सामने गलत काम कर रहा है तो आपका कर्तव्य है प्रयास करना, समझाना, रोकने का। सफलता हो ना हो वो अलग बात है, उसमें आपका जोर नहीं है, कम से कम प्रयास तो करो, समझाओ तो सही, गलत करो। मेरे सामने करा, मैं रोक नहीं रहा हूं तो मैं 50% पाप का भागीदारी बन रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने मैं जानता हूँ गलत है, मैं रोक सकता था, मैं रोक नहीं रहा तो मैं पाप का 50% भागी रह रहा हूँ। ये कह के मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, तो 50% भाग के भागीदारी पाप के। अगर आप रोकते हो, प्रयास करते हो और फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपना पूरा प्रयास किया है। सफलता देना ना देना भगवान के हाथ में है, क्योंकि अगर किसी के समझाने से कोई समझ जाता तो इंसान के अंदर अभिमान आता कि मैं कितना महान इंसान हूं, मेरी बात को कोई टालते, सब मेरी बात मानते हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है. आप 10 लोग को समझाओगे, एक आठ को सुनेगा सुनेगा, 9 लोग आपकी बात सुनेगा नहीं. यानी भगवान जी दिखाना चाहते, जिस पे मेरी कृपा होती है वो समझेगा, तेरे समझाने से कोई समझने वाला नहीं. तू केवल प्रयास कर सकता है, मेरी कृपा होगी तो समझेगा, नहीं होनी तो नहीं समझना उसने. तो जब विफलता आए सफलता न मिले तो क्या करना चाहिए? सती ने बात ही सुनी, हम लोग रोते रोते पीटते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन शिव जी ने राम राम करना शुरू किया, राम नाम जपने शुरू कर दिए और कह ऐसा कह भवन शिव हरि का नाम जो और सती भागे जब सुख के दम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे. तो राम राम को से क्या होगा, जब भगवान के सिर पे छोड़ दोगे तब भगवान का अपना तरीका होता है समझाने का. और हमको भगवान को ही कर्ता बनाना है, स्वयं कर्ता बनने का अभिमान नहीं पालना है. भगवान नहीं चाहते हमारे अंदर अभिमान आए, इसलिए ये बड़ी कृपा होती है कि हमें सफलता नहीं मिलती. वो चाहते नहीं कि हमारे अंदर अभिमान आए. सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर के उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिस पे सती जी के विचार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे. तो कैसे जा रही है? देखो नकली नकली होता असली असली होता, कहाँ गलती कर गए सती. सीता जी का रूप धारण किया वो तो ठीक है, क्या लिखा है रूप धारण उस मार्कर आगे होकर चली, और यानी राम जी के आगे चल रही है उस मार आगे, और असली सीता है जो राम के पीछे पीछे चलती है. नकली राम के आगे चल रही है और असली पीछे पीछे चलती है. तो लिखा उस मार के आगे होकर चली, तो गलती तो हो गई रही है. जिस पर सती विचारों से मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे, सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि यह क्या लीला में अचानक परिवर्तन आ गया. वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके. धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे कि हमारे प्रभु सर्वव्यापी हैं, जो उनको सब पता होता है, भूत भविष्य वर्तमान जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा होता है. सबको देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र सती जी के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम, जिनका नाम जपने से चिंतन गए मनुष्य का ज्ञान, वो वही तो राम जी सामने खड़े हैं. और हम जो सर्वव्यापी हैं सर्वज्ञ हैं उनसे हम कपट कर रहे हैं. स्थिर स्वभाव का असर तो देखो, वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं. अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले. प्रभु को हंसी आई. देखो कथा न सुनने के कारण वो भूल गए कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अंदर बाहर सबको जानते हैं. पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता से अपना नाम बताया. फिर प्रणाम क्यों किया? फिर तू मेरी परीक्षा लेने आई है, तुम परीक्षक हो, तुम एग्जामिनर हो, तो मैं तो प्रणाम करूँगा आपको, इसलिए उनको प्रणाम किया और पिता से अपना नाम बताया. फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहा. वृष का मतलब बैल, और बैल जो है धर्म का प्रतीक है. धर्म पे सवार होने वाले शिव जी कहाँ है? आप यह वन में अकेले किसने फिर रही हैं? यानी कौन से वन में? संशय, जब जीवन में संशय आए तो विश्वास को पकड़ के रखना चाहिए कि विश्वास का परित्याग कर देना चाहिए. सती ये तो गलती कर गई, संदेह आए तो विश्वास का आश्रय थी शिव जी का लेती, उन्होंने उनको ही छोड़ के परीक्षा ले अपनी बुद्धि चलाने लगी, यही तो उनसे गलती हुई. तो कौन से वन में संशय रूपी उन्हें भटक रही है? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ. वो समझ गई ये तो मुझे पहचान गए, मैं समझा कि ये दौड़ते आएंगे हाय करेंगे और मुझे गले से लगाएंगे, मुझे सीता जी के रूप में धारण किया, कहे तो सीता जी कहा, लेकिन ये तो मुझे पहचान गए, मुझे प्रणाम भी करते हैं और अपना परिचय भी देते हैं और कहते हैं कि धर्म पे सवार होना शिव जी कहाँ है. वे डरती भी चुपचाप शिव जी के पास चली, उनके हृदय बड़ी चिंता हो गई. तो डर के बाद वापस आती है ये चिंतित कि मैंने क्या कर दिया. कथा हम कल पढ़ेंगे, कल
किस प्रकार ये प्रसंग आगे बढ़ता है कल इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु पतितानां पावने भयो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।